हवाई जहाज में कंफर्म टिकट होने का ये मतलब नहीं कि आप सफर कर ही पाएंगे। दरअसल भारत की एयरलाइंस कंपनियों की बुकिंग का हिसाब गड़बड़ा गया है। ये कंपनियां ओवर बुकिंग कर रही हैं इस संभावना में कि आखिरी वक्त में कुछ टिकट्स कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन हो ये रहा है कि टिकट कम कैंसिल हो रही हैं और आखिरी वक्त में एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को सफर करने से रोक रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियां हर दिन करीब 100 यात्रियों को विमान में नहीं चढ़ने देती। पिछले साल के शुरू के 2 महीने में तकरीबन 5,500 यात्रियों को विमान कंपनियों ने बोर्ड करने से रोक दिया। तो ऐसी हालत में एयरलाइंस कंपनियों को मुआवजा भी देना होता है। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो एयरलाइंस कंपनियों को पैसेंजर्स को तकरीबन 15.62 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा है। साथ ही डीजीसीए के नियमों के अनुसार रिफंड या दूसरी फ्लाइट में रिबुकिंग और होटल जैसे जो सुविधाएं दी जाती हैं वो एयरलाइंस कंपनियों को देनी पड़ती हैं। आइए देखते हैं सफर से रोक कैसे देती हैं ये एयरलाइंस कंपनियां और मुआवजा फिर उसके बाद दिया जाता है। जेट एयरवेज की बात करें तो तकरीबन 50,03,700 करोड़ तकरीबन इतना मुआवजा जेट एयरवेज को देना पड़ा है। इसी तरह एयर इंडिया की बात करें तो 4,95,000 का मुआवजा एयर इंडिया को अपने पैसेंजर्स को देना पड़ा है जो कि ओवर बुकिंग यहां पर कर रही हैं, जिसके बाद उनको बोर्ड करने नहीं दिया जाता है, जिसके एवज में यहां पर उन्हें मुआवजा दिया जाता है या फिर रिफंड किया जाता है। स्पाइस जेट का भी यही हाल है, तकरीबन 221 लाख यहां पर स्पाइस जेट की तरफ से पैसेंजर्स को मुआवजा दिया जाता है।